फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पानी पूरी का पानी और उसका मसाला कैसे हम बनाते हैं और उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। तो दोनों चीज़ों का वीडियो मैंने एक साथ दिया है, तो आप उसको बना सकते हैं। तो ये पानी पूरी था और ये है पानी पूरी का मसाला। ये मैंने चना आलू के साथ बनाया है, तो आप इसको देख सकते हैं। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसी वीडियो में। तो दोनों का एक ही साथ मैंने बनाया है वीडियो, तो आपको आसानी होगी। तो चलिए बताती हूँ मैं। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले जब भी मैं कोई न्यू रेसिपी डालूं। और जो वीडियो के नीचे लाइक का बटन होता है उसको क्लिक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मैं आज की रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। तो पहले मैं बताती हूँ पानी पूरी का, जो पानी बनाते हैं उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिया है हरी मिर्च, अदरक और नमक, जीरा और थोड़ा सा पानी हमने ऐड किया है। यहाँ मैंने लिया है धनिया और पुदीना। तो इसका हमें पीसना है चटनी। तो यहाँ पे मैंने चटनी बना ली है, एक अच्छी सी चटपटी सी चटनी बनानी है पहले। फिर हमें ठंडा पानी लेना है क्योंकि पानी पूरी के लिए ठंडा पानी ही अच्छा होता है और उसमें मज़ा आता है खाने में। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है। अब ठंडे पानी में जो चटनी हमने बनाई थी वो चटनी हम डालेंगे। आप कितना बनाते हैं, कितनी क्वांटिटी रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो पहले हमें क्या करना है कि उसमें मिला लेना है हमें, और उसके बाद आप चेक भी कर सकते हैं फिर स्वाद के अनुसार इसमें हम नमक डालेंगे। मेरे पास ये पानी पूरी का मसाला भी है, अगर आपके पास हो तो डाल दें, नहीं डाले तो भी चलेगा। यहाँ पे आप नींबू का भी यूज कर सकते हैं, इमली के पानी का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डाला है थोड़ी बूंदी। बूंदी डालने से उसका फ्लेवर और टेस्ट बढ़ जाता है। यहाँ थोड़ा मैंने ऐड किया है जलजीरा का मसाला, जिससे कि बड़ा अच्छा टेस्ट हो जाता है इसका। नहीं हो तो आपके पास तो स्किप भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो ये हमारा पानी पूरी का जो पानी होता है वो रेडी हो गया है, और आप देख सकते हैं कितना कलरफुल है, कितना अच्छा और बहुत टेस्टी बना है। तो इस तरह से आप पानी पूरी के लिए पानी तैयार कर सकते हैं घर पे आसानी से, और बहुत टेस्टी बनता है और बहुत आसान है और बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। अब मैं सेकंड रेसिपी बताती हूँ आलू चने के मसाले की। तो चने को हमको रात में भिगो देना है और सुबह में हमको 2 से 3 सीटी लगा लेना है ताकि अच्छे से बॉयल हो जाए। साल्ट ऐड करके हमको बिशल लगाना है। अब हम बनाएंगे मसाला जो हम पूरी के अंदर डालते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है उबले हुए चने, आप देख सकते हैं इसको मैंने बॉईल कर लिया है। और यहाँ लिए हैं मैंने आलू। आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से आलू चना आप ले सकते हैं, यहाँ पे मैंने इतना लिया है। अब हमें इसको फोड़ लेना है आलूओं को हाथों की हेल्प से, और इसको मैश कर लेना है, और चने को भी अच्छे से मैश कर लेना है। थोड़े मैश हो जाने चाहिए और थोड़े ऐसे, ये यूपी में इस टाइप से ही आलू चना वाला ही मसाला रेडी करते हैं, बहुत अच्छा बनता लगता है। तो यहाँ पे हमने ये, तो यहाँ पे जो हमने चटनी पीसी थी वही चटनी थोड़ा हमने बचाया है, वो भी इसके अंदर हम ऐड करेंगे। टेस्ट के अनुसार नमक ऐड करेंगे, उसके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेंगे तो हमारा ये जो मसाला है वो रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है, चटनी डालने से इसका टेस्ट बढ़ जाता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये मेरा पानी पूरी का मसाला और पानी पूरी का पानी रेडी हो गया है। तो आपको अगर पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आप पानी पूरी बना के घर में खा सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूला करें, क्योंकि एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और अच्छी अच्छी रेसिपी आपके लिए लाने के लिए। और आप आगे और कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताया करें ताकि हम वो रेसिपी भी शेयर कर दें। तो हमने तो एंजॉय कर लिया, आप भी इंजॉय करें बना के। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।